आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया। आतिशी दिल्ली के नए सीएम होंगे। विधायक दल की हुई बैठक के आतिशी के नाम से मोहर लगी है। आतिशी को सर्वसम्मति नाल मुख्यमंत्री चुनिया गया। जो केजरीवाल जेल के आतिशी सरकार दी अहम जिम्मेवारियां के बारे सन, वह उस समय सिक्ख्या समेत महत्वपूर्ण विभागों संभाल रहे सन। आतिशी शुरू तो ही आम आदमी पार्टी जुड़े हुए हैं। 1913 में जो आम आदमी पार्टी के वालों अपना चोन मैनीफेस्टो ड्राफ्ट करने की कमेटी बनाई तो आतिशी को भी उस जगह मिली सी। उन्होंने खास करके स्कूलों और नीतियां बनाईया और लागू भी कीतियां। आतिशी ने 1915 तो लेकर 1918 तक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और सिक्ख्या मंत्री रहे। मनीष सिसोदिया के सलाहकार वजो भी काम किया। बाद सरगर्म सियासत आए। कालकाजी तो विधायक आतिशी आम आदमी पार्टी की सियासी मामलों की कमेटी यानी कि PAC के मैंबर भी ने। उस 1919 दियां लोकसभा चोणां दे विच उतरे पर उन्होंने भाजपा नेता गौतम गंभीर तो हार दा सामना करना पिया सी। हुण आतिशी नूं दिल्ली दे सीएम दी कुर्सी दित्ती गई है। मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। कल शाम मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली, जब उन्हें खबर मिली थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो रोने लग गईं। उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह हैं, उसको इतना परेशान किया है, उसको इतना परेशान किया, उस पर झूठे केस लगाए। और उन बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाऊंगी, मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है।